हमारी मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जब हम समान काम करती हूँ आप, जो कि आपको समान वेतन दिया जाए। मैं एनम हूँ, है ना, मैं फील्ड वर्कर हूँ। घर घर जो आशा वर्कर हमारी सर्वे करके लाती हैं, उसमें ANC छांटती हैं, ANC गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाया जाता है, उसके बाद उनकी 4 विजिट कराई जाती है, 4 विजिट के बाद उनका PNC चेकअप कराया जाता है, PNC जब बच्चा नवजात शिशु होता है उसका टीकाकरण कराया जाता है, जन्म से लेके 5 साल तक के बच्चों को सारे टीकाकरण लगाए जाते हैं, बच्चे उनकी फैमिली प्लानिंग कराई जाती है, फैमिली प्लानिंग करने के बाद उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये सब काम करने के लिए हमें सरकार के सारे जो प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि हमारा MI के मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, वो सेशन हमें करने पड़ते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन हमें फील्ड में जाके करना पड़ता है, और अब IMI करवाया है, सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट हमसे कराती है, और इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाते हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं है ANMs की, जहाँ तक है नहीं, जहाँ पे अग्रगामी है। मदनपुर खादर में हमारा सेंटर मीठापुर में, मीठापुर से हमें मदनपुर खादर बुलाते हैं, वहाँ पे जाके हमसे इम्यूनाइजेशन कराया जाता है और हमसे एक्स्ट्रा वर्क लिया जाता है कि कहीं भी हमारी ड्यूटी कहीं भी लगा सकते हैं, कि कहीं कोई स्टाफ नहीं आए तो वहाँ जाके भी आपको काम करना है। मैडम, अभी आपने आशा वर्कर की बात कही थी, और आशा वर्कर कहती हैं कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, डिस्पेंसरी जाते हैं, तो ANM हमें परेशान करती हैं क्योंकि वो नारेबाजी भी कर रही थी, आज उनकी मांगों को मान लिया गया, तो आप उन्हें क्यों परेशान करते हैं, क्या कारण है परेशान करने का? हम उन्हें परेशान नहीं करते, हम वो काम नहीं करती हैं तो वो परेशान होती हैं। हमें जब आशा वर्कर नहीं थी वो सारा काम हम खुद कर रहे थे, सरकार की ये पॉलिसी थी कि भाई फील्ड वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, 10,000 की पॉपुलेशन है हमारे अंडर, एक ANM 10,000 की पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रही है, उस 10,000 में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका छोटा बच्चा है, कौन गर्भवती महिला है, उसका सारा डाटा हमें रखना पड़ता है, सब डाटा उनका कंप्यूटर पर चढ़ाना पड़ता है, एक एक बंदे को ट्रेस करना पड़ता है। आप ये सोचो कि घर में 4 सदस्य वो एक दूसरे को खुश नहीं कर पाते, और हमें 10,000 की पॉपुलेशन में हर किसी को कमांड करके रखना है, तो उसके बाद जब हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? एक समान काम का समान वेतन ही तो मांग रहे हैं। हमारा शोषण हो रहा है, हमें 10 साल हो गए हैं काम करते करते, क्या महंगाई और लोगों के लिए ही बढ़ती है, गवर्नमेंट परमानेंट के लिए बढ़ती है, क्या हमारे लिए नहीं बढ़ती? हमारे भी तो छोटे बच्चे हैं, हम भी तो ड्यूटी पे आते हैं, उनको DA दे दिया जाता है, उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन वो सारी कोई सुविधा हमें नहीं दी जाती, ना हमें कोई वो ESI कटती है हमारी, ना हमारा कोई PF कटता है, जिससे कि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं हमें दिया जाता, और छुट्टी भी नहीं दी जाती है, और कई बार जब हमें प्रोग्राम शुरू होते हैं MI के हमारी छुट्टी भी काट देते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं कि इस टाइम अगर आपने छुट्टी ले ली तो आपकी फिर कहीं और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे।